नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम एक नया रेसिपी लेके आए हैं, बंगाल का जो मशहूर है रेसिपी है मछली और फूलगोभी एक साथ मिला करके एकदम मस्त रेसिपी बनाएंगे। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। चूल्हा ऑलरेडी जल गया है, अब इसमें कढ़ाई को चढ़ा देंगे। बाकी तैयारी हो गया है, मसाला वसाला सब तैयार कर लिए हैं, कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अब फटाफट से मछली को धो लेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, देख सकते हैं एकदम काला काला हो गया है। अब इसमें सरसों तेल डालेंगे। अब मछली में नमक और हल्दी मिलाएंगे, आधा चम्मच नमक। नमक और हल्दी को अच्छे से मिलाना होगा। चलिए, हमारा मिला हुआ हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। मछली को अच्छे से मिला लिए हैं नमक और हल्दी के साथ, और इधर कढ़ाई भी गर्म हो रहा है, तेल भी डाल दिए हैं। अब फूल गोभी को हम काट लेंगे छोटा छोटा पीस में। इतना बड़ा बड़ा हम काट लेंगे। फूल गोभी को अच्छे से धो लेंगे। फूल गोभी धो लिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तेल भी गर्म हो गया है, तेल में इसको छोड़ देंगे। गोभी को अच्छे से लाल लाल तक करके फ्राई करेंगे। तो एक बार चला दिए हैं, अब इसमें कुछ देर के लिए इसको ढक देंगे। अब इसका ढक्कन को खोल देंगे। गोभी को तो अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, देखिए लाल लाल करके। अब मछली को फ्राई करेंगे। मछली तो एक साइड फ्राई हो गया है, अब इसको पलट देते हैं, दोनों साइड अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए किस तरह फ्राई हुआ है, एकदम लाल लाल हो गया है दोस्तों। लोहा का कढ़ाई में मछली फ्राई एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई होता है। मछली दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए दोस्तों किस तरह लग रहा है देखने में। अब इसको निकाल लेंगे। मछली तो फ्राई किया हुआ हो गया है और फूलगोभी फ्राई कर लिए हैं। वही तेल में हम थोड़ा सा 5 फ़ोरन डालेंगे, तेजपत्ता, 2 सूखी मिर्च। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, छोटा साइज का प्याज डालेंगे इसमें। प्याज का कलर चेंज हो गया है, देखिए किस तरह लग रहा है देखने में। प्याज थोड़ा सा चेंज हो गया है कलर। अब इस स्टेज में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच डालेंगे। और अदरक लहसुन और प्याज को अच्छे से कुछ देर तक चलाते हुए, अदरक लहसुन प्याज अच्छे से भुना गया है। अब यहाँ पर डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर, इसको जो हम महीन महीन काट लिए हैं इसको भी डाल देंगे। अभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और इसको एक साथ फ्राई करेंगे। और हम सब जानते हैं दोस्तों, टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर हमने नमक डाल दिए हैं, 1/2 चम्मच डाले हैं। देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है। अब हमारा जो बाकी मसाला है इसको हम डालेंगे इसमें। ये देखिए सरसों का पेस्ट है, इसको 1 चम्मच नहीं 1/2 चम्मच डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च
सरसों और लाल मिर्च का जो पाउडर है इसको डालेंगे आधा चम्मच, और सभी मसाले को अच्छे से कुछ देर तक फ्राई करेंगे। जब तक इसका तेल अलग ना हो जाता है तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिए। इसमें हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है, इस जगह पर हम डालेंगे तीखा बनाने वाला औजार है, इसको डालिएगा तो भरपूर तीखा होगा। चलिए इसको हम डाल देते हैं ऊपर में। करी में तो अच्छे से उबाल आ गया है, अब इसमें मछली और फूलगोभी दोनों डालेंगे। दोस्तों मछली और फूलगोभी का रेसिपी आप लोग अगर खाए हैं तो ठीक है, नहीं खाए हैं तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। सभी मछली को हमने डाल दिए हैं और इसको एक बार चला देंगे कुछ देर के लिए, इसमें छोड़ेंगे। उसके बाद इसमें गोभी को डालेंगे, अब इसमें डालेंगे फूलगोभी को। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि फूलगोभी और मछली किस तरह बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है, देख सकते हैं मछली का करी किस तरह बना है। अब इसमें डालेंगे हरी धनिया का पत्ता को तोड़ के डाल देंगे। मछली का करी बनकर तैयार है भाइयों, चावल के साथ इसको परोसेंगे और खाएंगे मजे से। ये देखिए चलिए भाई, चावल हमने प्लेट में निकाल लिए हैं, अब इसमें मछली का करी डालेंगे और मछली डालेंगे। ये देखिए मछली और फूलगोभी, ये देखिए दो पीस मछली हमने ले लिए, और थोड़ा सा करी ले लेंगे, और अब मछली भात चलेगा दोस्तों। ये पहला निवाला, फूलगोभी और मछली का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है, मछली और मछली का करी बहुत ही टेस्टफुल बना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे और मस्त रहे।